हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस क्लासेस, और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आज का बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। और आज मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके लिए लेकर के आया हूं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। कल हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देखें, इंट्रोडक्शन विद नेचर। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आइएगा, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं। किसके अंदर आता है ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको डिफाइन कर दूं, माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो, वर्ड खुद ही कह रहा है माइक्रो मींस छोटा स्मॉल, और मैक्रो खुद को कह रहा है कि मैं हूं बड़ा। तो ये दो भाई हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब स्मॉलर और मैक्रो का मतलब लार्जर। तो ध्यान रखना छोटा, ध्यान रखना हिंदी में लिख दिया मैंने छोटा और बड़ा। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से आपको बहुत चीज़ें डी क्लियर हो जाएंगी। क्या है कि दिस इज कंसिडर टू बी द बेसिक इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस विच स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज डिफाइन की जाती है, क्या चीज एनालिसिस की जाती है, जो इंडिविजुअल हो, जो व्यक्तिगत हो, एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए की गई बात, एक यूनिट के लिए की गई बात माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। पढ़ लेते हैं पूरे को। मे बी ए पर्सन, ए पर्टिकुलर हाउस होल्ड, ए पर्टिकुलर फर्म, इट इज अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट rather than all the unit combined together, the microeconomics is also described as a price and value theory. याद रहेगा, क्या बताया मैंने आपको microeconomics के बारे में, कि microeconomics के अंदर दो चीजें आती हैं, छोटी चीजें यानी कि एक particular unit, एक person के बारे में, एक व्यक्तिगत चीज, एक वस्तु के बारे में, एक particular firm के बारे में बात हो रही है। तो micro के अंदर डिस्कस करते हैं माइक्रो के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स खुद को कह रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालाइजिस विच स्टडी बिहेवियर और नॉट वन पर्टिकुलर यूनिट। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए एनालिसिस नहीं करता मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये करता है, बट ऑफ ऑल द यूनिट कंबाइंड टूगेदर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी इन एग्रीगेट्स, हिंस इट इज ऑफ्टन कॉल्ड एग्रीगेसिव इकोनॉमिक्स। इट इज इंडीड ए रियलाइज मैथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस थ्रू इट इज कम्प्लीटेड एंड इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ हायर मैथमेटिक्स। इन द मैथड वी स्टडी हाउ द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक इज रीच, कॉन्सिक्वेंट ओपन चेंजेस इज द मैक्रो वेरिएबल एग्रीगेट्स। समझ गए आप लोग, इस पब्लिकेशन के बारे में जरूर ध्यान रखना है। थ्योरी in 1936 gives a strong impact to the growth and development of modern microeconomics. दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से। बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या कहती है? As the country of the modern world are realizing the significance of trade and commerce with other country, the role of international economics. Next, पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पब्लिक फाइनेंस तो ऑलरेडी एक बुक है भाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं लॉक विद द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 लीड द रियलाइजेशन ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एस्टेब्लिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ बिसाइड अदर ऑब्जेक्टिव लाइक ग्रोथ रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनकम एक्सेट्रा। देयरफॉर ए फुल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज ए पब्लिक फाइनेंस और द फिजिकल इकोनॉमिक्स आर एमर्जिंग टू एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि पब्लिक फाइनेंस क्या कहती है, ये लीड करता है, गवर्नमेंट लीड करती है इसको कि इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए लाइक उसकी इनकम को देखो, यानी कि जिसको बोलते हैं लोक वित्त, पूरे संसार के, पूरे समाज के वित्त को मैनेज करना, वित्त को देखना कि ग्रोथ हो रही है या कमी हो रही है। ठीक है ना, आप देखते भी होंगे कि देश के अंदर वित्त मंत्री अलग होते हैं, और जो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट हर एक को सौंपा गया है,
तो वही लोक वित्त में भी एक अलग से वित्त मंत्री होते हैं, तो वो इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। इसके बारे में आप खुद रीड करिएगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में, हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में, और अर्बन एंड रूरल के बारे में। मैं खुद बता देता हूँ आपको, अर्बन एंड रूरल के बारे में होता है एक शहरी और ग्रामीण इकोनॉमिक्स, है ना, शहर का और गांव का। अर्बन को बोलते हैं शहर और रूरल को बोलते हैं ग्रामीण, यानी कि रोल ऑफ द लोकेशन इज क्विट इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो लोकेशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। रूरल के अंदर इकोनॉमिक्स अलग तरीके से चलता है, अर्बन के अंदर अलग तरीके की अर्थव्यवस्था दिखाई जाती है। देयर इज ऑल्सो द डिबेट ऑफ अर्बन रूरल डिवाइडेड, देयर फॉर इकोनॉमिक्स हैव रियलाइज दैट देयर शुड बी स्पेसिफिक फोकस ऑन द ऑन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। भाई दोनों जगह ही जो फोकस होता है, जो उनका मतलब लक्ष्य होता है, वो अलग अलग होता है इकोनॉमिक्स का, अर्बन का अलग, रूरल का अलग, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि आप देखते भी होंगे भाई, शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अलग होती है और रूरल के अंदर अलग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं, ये बात तो आप जानते हैं। आज भी है ऐसा, देखो पढ़ भी सकते हैं इसको हम, अगर ग्राफिकल की तरह देखें तो भी वहाँ की डेमोक्रेसी कुछ अलग तरीके से, और रूरल रूरल की और अर्बन की डेमोक्रेसी दोनों अलग 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 होती हैं। देयर आर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी कर लो, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसी, लेबर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेंडर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स प्लानिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी आप अर्बन और रूरल से कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा, ठीक है। बाकी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, विच गुड शुड बी प्रोड्यूस एंड इज हाउ मच क्वांटिटी, यानी कि किस को कितना प्रोड्यूस करें। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है किस को कितनी ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब होता है यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कंज्यूमर को किस चीज़ की नीड है और कितनी नीड है। तो दिखा है देखो, तीन दो चीज़ दी है, दूसरी व्हाट टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड ऑफ प्रोडक्शन, और फॉर होम गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि अगर मैं बात करूँ वन बाय वन इसके बारे में, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, क्या पैदा करें, क्या प्रोड्यूस करें, सबसे पहली प्रॉब्लम सेंट्रल के लिए आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करें। देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, फर्स्टली विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, सेकेंडली वट शुड बी द क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स। पहली प्रॉब्लम सेंट्रल के लिए आती है कि गुड्स क्या उत्पादन करें, क्या पैदा करें, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर पैदा करें, प्रोड्यूस करें, तो कितनी क्वांटिटी में करें। सेकेंड चीज, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या चीज। द सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम फेस बाई एन इकॉनमी इन विच टेक्निक शुड बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गिवन कॉमोडिटी, दिस प्रॉब्लम एरिया बिकॉज देर आर वेरियस ऑफ टेक्निक अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी सच एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वी मे यूज आइदर मोर ए लेबर और लेस ऑफ कैपिटल, और लेस ऑफ लेबर एंड मोर ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा हुआ हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस कैसे करें। अगर देखो गेहूं की ही पैदावार देख लो, तो उसको पैदा करने के लिए हमें लेबर भी चाहिए होती है, उसको पैदा करने के लिए हमें कैपिटल को लगाना पड़ता है, देन फिर हमें वो पैसा देता है। आपको देखो पहले गेहूं जब हम पैदा करेंगे तो पहले गेहूं का बीज लेकर के आएंगे, पौध लेकर के आएंगे, फिर उसको लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद फिर क्या होगा, वो पैदा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, कौन लगाएगा उसको, अकेला आदमी थोड़ी लगाएगा, लेबर लगानी पड़ेगी, खरीद करके लाया तो कैपिटल लगाना पड़ेगा, फिर उसको कटाई होगी उसकी, ठीक है, फिर उसको वहाँ भी लेबर का यूज़ होगा, उसके बाद जब वो बेचेगा मंडी में आकर के, तब उसको वहाँ पैसा रिसीव होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं हमारे लिए। और थर्ड आता है हमारा इसके लिए व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कॉमोडिटी कॉमोडिटी इज कंजेशन इन इकोनॉमी, हाउ एवर इवन आफ्टर एम्प्लॉइंग
all the resources of economy, it is not possible to the produce of commodity which are required. कि क्या required हो और किससे produce करें हम, है ना, किसके लिए produce करें, for whom to produce, किसके लिए produce करें, ठीक है ना. तो depend करता है किसके ऊपर, peoples के ऊपर, लोगों के ऊपर depend करता है, ठीक है, central के ऊपर depend करता है. तो यही problem face करनी होती है. आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा स्कोप पूरा हो गया. कल की जो क्लास होगी वो होगी पीपीसी के बारे में होगी, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी. एंड साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें. आपको मुझसे बात करनी है कुछ चीज़, कुछ क्वेरी, कुछ क्वेरी रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.